यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बड़ी खबर अंबाला से इस वक्त, जहां पर HSSC परीक्षा में पूछे गए सवाल को लेकर ब्राह्मण समाज में रोष देखने को मिल रहा है। और ये बड़ी खबर अंबाला से, HSSC की परीक्षा में ब्राह्मण समाज को लेकर पूछे गए विवादित सवाल पर रोष जो है ब्राह्मण समाज का वो लगातार देखने को मिल रहा है। और ऐसे में रोष जो है ब्राह्मण समाज के लोगों की तरफ से जताया गया अंबाला में, और इसी के चलते BJP पार्षद सुरेंद्र तिवारी ने मुंडन कराया है इसी के रोष स्वरूप। और साथ ही यहाँ पर HSSC के चेयरमैन को बर्खास्त करने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो ये बड़ी खबर अंबाला से, जहां पर HSSC की परीक्षा में पूछे गए सवाल को लेकर ब्राह्मण समाज में रोष देखने को मिल रहा है। और इसी रोष के चलते BJP पार्षद सुरेंद्र तिवारी ने मुंडन करवाया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक मुंडन जो है वो ब्राह्मण समाज के लोगों की ओर से जो है वो करवाया जाएगा। और साथ ही यहां पर BJP पार्षद की ओर से आपको बता दें कि मुंडन करवाया गया, और इस दौरान जो है मांग उठाई गई HSSC के चेयरमैन को बर्खास्त करने की, और इसी के चलते कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ज्ञापन भी सौंपा गया है। इसी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया कैबिनेट मंत्री अनिल विज को, और साथ ही इस दौरान कहा गया कि मांगे नहीं मानने पर हजारों ब्राह्मण जो हैं वो मुंडन करवाएंगे। तो ब्राह्मण समाज का रोष जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इसी के चलते ब्राह्मण समाज के लोगों ने राज रोष जताया, और साथ ही BJP पार्षद सुरेंद्र तिवारी ने इसी रोष स्वरूप जो है आज मुंडन करवाया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसके जरिए मांग की गई कि HSSC के चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए।